हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइल विद पैशन। आज आपके लिए फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वो है मेरे HP इंकजेट प्रिंटर का। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि मैंने प्रिंटर ख़रीदा है मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए, स्पेसिफिकली मेन फोकस मेरा यहीं पे था, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं क्योंकि इसको ख़रीद के भी काफ़ी दिन हो गए हैं। लेकिन जिस दिन डेमो वाले भैया आए थे उस दिन जो भी वो इंस्टॉल कर रहे थे उसी दिन मैंने शूट किया था, क्योंकि वो एक ही बार होती है वो इंस्टॉलेशन और बार बार हम लोग उसको नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे लगा कि इनिशियल जो भी सेटअप होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप भी प्रिंटर ख़रीदते हैं तो आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ जाने वाली है। एंड प्रिंटर की वजह से मैंने जो है आदित्य के जो भी दो एग्ज़ाम तो हो गए थे और दो बाकी थे, तो मैंने उसको ऐसे प्रिंट आउट सारे निकाल के दिए एंड ही इज़ परफॉर्मिंग रियली गुड। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो ये सैम्पल पेपर्स है कुछ जो मैंने नेट से डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल के दिए और उसके बाद उसने सॉल्व किया है, देख रहे हैं आप। एंड कुछ सही है कुछ गलत है, तो इस तरह से मैंने उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। तो देख रहे हैं कितने सारे पेपर्स हैं और इससे भी ज़्यादा है और दूसरी जगह पे रखे हुए हैं अभी, तो इट इज़ प्रूव्ड टू बी वेरी हेल्पफुल। तो मुझे लगा मेरे बच्चे के लिए ये वर्कआउट करेगा, मेरे ख्याल से आप लोग के लिए भी वर्कआउट कर सकता है। तो प्रिंटर को यूज़ कैसे करना है वो भी आना चाहिए पहले, तो मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ इसका एंड देख लीजिए, एंड उसके बाद कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आके पूछिए। तो यहाँ पर अभी देखिए प्रिंटर को ओपन किया जा रहा है एंड उसके ऊपर यूज़र मैनुअल एंड वारंटी वो सारी दी हुई है एंड CD भी, जैसे कि आपने देखी वो। जब आप इसको लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहेंगे अपने प्रिंटर को तो आपको पहले CD को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में एंड वो कुछ पार्ट्स है जो आपको प्रिंटर के अंदर ही लगाने हैं। वो कहाँ कहाँ पे लगाने हैं, कैसे कैसे लगाने हैं वो आगे आपको वीडियो में दिखता रहेगा। एंड इसके अंदर जो है इंक बॉटल्स हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पे डब्बे में से भैया जो है डेमो के लिए आए हैं वो निकाल रहे हैं इसके अंदर, तो डेमो के लिए आएंगे मुझे मालूम था। और जो भी कुछ इंस्टॉलेशन वाली चीज़ें होती है इनिशियल एक बार इंस्टॉल कर दो, फिर हमको दोबारा निकाल के लगाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई वॉज लाइक कि जो भी नया ख़रीद रहे हैं अगर उनके पास डेमो अवेलेबल किसी वजह से नहीं हो पाता है तो वो खुद से भी ये चीज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर अभी इसका सील खुल रहा है एंड देखिए ये प्रिंटर देखने में भी काफ़ी अच्छा है। कुछ प्रिंटर ऐसे बड़े बड़े रहते हैं कि लगता है भाई इसको कहीं छुपा के रखो, दिखना नहीं चाहिए, लेकिन इसका ऐसे नहीं है, बहुत क्लासी दिख रहा है ये। एंड ये साइड में जो आपको एक बाहर सा निकला हुआ दिख रहा है वो इंक बॉटल की स्पेस है जहाँ पे अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं और उन्हीं कलर्स की बॉटल दी हुई है और कलर के हिसाब से ही आपको उसी कलर को उसके अंदर डालना है। एंड इसके अंदर ऊपर कैप्स भी लगी हुई है जिससे कभी भी जो है आपका इंक उसमें डालने के बाद स्पिल नहीं होगा। तो इसमें जो ब्लैक कलर है वो उसकी बड़ी बड़ी दो बॉटलें आती हैं, उसके अलावा जो तीन बॉटल्स आती है वो थोड़ी छोटी छोटी आती हैं एंड वो पूरी इसके अंदर फिल हो जाती है। तो आपका यूजेज के हिसाब से ही जो है इंक ख़त्म होती है। और कोई भी प्रिंटर हो, चाहे कलर हो चाहे ब्लैक एंड वाइट हो, अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही इफ़ेक्टिवली वो काम करता है। अगर आप उसको महीने में कभी एक बार चला रहे हैं तो यू विल नॉट गेट द परफेक्ट प्रिंट, चाहे ब्लैक एंड वाइट हो, और कलर तो फिर भी बिल्कुल नहीं आएगा। ये इंकजेट वाले में क्या होता है कि आपको रेगुलर यूज़ करना होता है क्योंकि ये लिक्विडी फॉर्म में होती है। इंक्स अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो इंक सूख जाती है, इवापोरेट हो जाती है। जो लेज़र इंक्स लेज़र वाले प्रिंटर होते हैं उसमें पाउडरी फॉर्म वाला आता है एंड वो बहुत ही महंगे होते हैं। तो जो ब्लैक एंड वाइट अगर आप लेज़र का लेना चाहते हैं तो जो हमारे घर में है हैदराबाद में वो भी 17-18 thousand का था। उसमें ये है कि अगर आप 2-3 महीने यूज़ भी नहीं करते हैं तो भी वो ठीक ठाक चल जाता है क्योंकि उसकी इंक सूखने वाला टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पे पहला कलर इन्होंने देखिए येलो निकाला है एंड अगर बॉटल को उल्टा भी कर देते हैं तब भी वो नहीं गिरेगा बिकॉज उसके ऊपर एक देखिए करके दिखा रहे हैं क्योंकि ऊपर एक टाइप का सील लगा हुआ है एंड जहाँ पे अभी हम इसको इंसर्ट करेंगे वहाँ पे उसका जो नॉजल है वो कुछ अलग टाइप का है। उसके बीच में एक पिन आती है जो उसको पुश करेगी तभी उसके अंदर जो है लिक्विड जाता है। और नीचे देखिए वहाँ पर इंक भर चुकी है, तो मैं अभी दूसरा जो इंक डालेंगे उसमें आपको उसका नॉजल वोजल भी दिखाती हूँ।
तो मैं डब्बा देख रही थी एंड ये एक एक कलर की बॉटल जो है 500 रुपीज़ की है एंड इसका कॉस्ट तो मैंने बताया नहीं, इसका कॉस्ट है 14,000। तो आपको ऑनलाइन में भी इतने का ही मिल रहा है, 13,900 चेंज मिल रहा है, तो 14,000 है अप्रॉक्सीमेटली। सो यू कैन चेक आउट ऑनलाइन। एंड ऊपर जो आपको लाइन दिख रही है वहाँ पे आती है, जैसी इंक भर जाती है तो ऑटोमेटिक वो स्टॉप हो जाता है, उसको आगे नहीं भरता है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें ब्लैक वाली जो कलर की बॉटल आती है, आप उसको रख के छोड़ दो, जब भर जाएगी वो अपने आप रुक जाएगा। तो ये देखिए, इसमें अभी पिंक कलर डाल रहे हैं, कलर कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं देखने में। तो ये देखिए कलर, उसका कैप निकालने के बाद फिर से आपको ढक्कन लगाना है। एंड यहाँ पे देखिए, अभी इसको नोज़ल को मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ क्लैरिटी। हाँ, ये देख रहे हैं बीच में जो एक लगा हुआ है आड़ा सा, उसकी वजह से वहाँ पे पिन होने के बाद ही इंक उसमें गिरती है। एंड जो भी चार कलर्स है वो देखने में काफ़ी बाहर से भी अच्छे दिखते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद ये ब्लू कलर है, तो यहाँ पर तीन कलर डल रहे हैं, येल्लो, पिंक एंड ब्लू, एंड ब्लैक तो डिफ़ॉल्ट है ही है। तो ये तीनों, ये जब कलर, इन सब कलर के कॉम्बिनेशन में मिक्स होके हमको जो है फ़ोटो के रूप में आते हैं। तो आप इसके बाद कोई भी फ़ोटो का प्रिंट आउट लीजिए, चाहे उसमें कोई भी कलर हो, ऑटोमेटिक प्रिंटर जो है स्कैन कर लेता है और उसमें कलर्स उतार देता है। तो यहाँ पे बाकी दोनों भी कलर्स लग गए हैं और ये ब्लैक वाला अभी इसके अंदर डालेंगे। तो आप जब नया प्रिंटर ख़रीदें तो आप इसी प्रोसेस को, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, उसी प्रक्रिया से आप जो है इसको, इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करें। सबसे पहले सील खोलें, उसके बाद कलर्स डाल दें। तो यहाँ पे साइड में ब्लैक भी लगा दिया, एंड देखिए ये कलर्स भर चुके हैं एंड ऊपर लाइन तक आपको दिख रहा है, एंड अभी ब्लैक भी भर रहा है। इसकी कैप को जो है पुश करने से वो लॉक हो जाता है, स्क्रू सिस्टम नहीं है, बस पुश करना होता है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में आप जो है उसको डिटेल में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस कमेंट को पिन भी करूँगी अगर कोई मिसिंग पॉइंट है, क्योंकि कमेंट सेक्शन भी सब पढ़ते हैं, तो दे विल ऑल्सो गेट एन आइडिया कि और क्या कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वो देख रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, बाकी कलर जो है 70 ml है, लेकिन ब्लैक वाला जो है 100 ml है। एंड अभी जो है पीछे वो जो कॉर्ड लगाने का स्पेस दिया है वहाँ पे आप उसको, इसके प्लग पॉइंट को वहाँ पे उसमें लगा के फिर बोर्ड में लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी बोर्ड में लगा दिया है। बोर्ड में लगाने के बाद अगली प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे पहले पावर बटन दबाना है एंड उसके बाद थोड़ी देर ये ब्लिंक करता रहेगा। जैसे ही वो स्टैग्नेंट हो जाता है, ब्लिंक करना बंद होगा, वैसे ही वहाँ पे जो आपको डिस्प्ले स्क्रीन दिख रहा है छोटा सा, वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। एंड ये जो पीछे दिख रहा है, यहाँ पे पेपर का प्लेस है, ये यहाँ पे आप पेपर्स डाल सकते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है। तो क्योंकि ये कलर प्रिंटर है, अगर आपके पास डिजिटल पेपर है जिस पे हम लोग फोटोग्राफर से फ़ोटोज़ निकलवाते हैं, तो उसके साइज़ का भी आप इसमें पेपर रख के, बीच में एक पिन रहती है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको, अपनी उंगली से जब हिलाऊंगी तब आपको दिखेगा। तो आपको वहाँ जहाँ जहाँ निशान लगे हैं वहाँ वहाँ पे आप इस ब्रेकर को लगा देंगे, तो वो वाला पेपर जो है आराम से वहाँ से जो है प्रिंट आउट निकलने में इजी रहेगा। तो आप एडजस्ट करते हैं, कर सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। अब यहाँ देखिए ज़ीरो आ चुका है, अभी भी आपको ब्लिंक कर रहा है ना, तो जब तक सारी ब्लिंकिंग ऑफ नहीं हो जाती है वहाँ पे ऐसे इंडिकेशन दिखाता रहता है। देखिए यहाँ पे एकदम छोटा सा अभी एक डॉट आया उसके साइड में, तो ये डॉट जब स्टेग्नेंट हो जाएंगे उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, चाहे ज़ेरॉक्स हो, स्कैनिंग हो, वो सब। एंड ये जो ऊपर दो डब्बे देख रहे हैं, आपको इसको भी अंदर इंस्टॉल करना है। ये इस गाड़ी के इंजन है, मतलब प्रिंटर के इंजन है, इसके बाद ही जो है सब कुछ होता है। तो यहाँ पे अभी इसका सील खोल रहे हैं एंड ये पहली बार एक बार लगा दोगे तो आपको दोबारा उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम फिक्स हो जाते हैं। तो जब तक ये नहीं लगते हैं तब तक प्रिंटर के नीचे जो रेलगाड़ी बोल रही हूँ मैं इसको, जो ये इधर से उधर प्रिंट आउट होने के लिए जो लेफ़्ट एंड राइट घूमता है, तब तक नहीं घूमता है जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करते हैं। तो इनका नाम मैं भूल गई हूँ एक्चुअली, तो आप समझ जाओ क्या है, इंजन है ये, इस प्रिंटर का इंजन जो है अभी हम लगा रहे हैं।
तो इसमें से एक पार्ट निकाल दिया है एंड ये जो नोजल्स होते हैं वो सारे सील्ड है सब कुछ अच्छी तरह, तो उसको निकाल के इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। एंड ये एक दूसरा भी पार्ट है उसके ऊपर भी रबर वबर जो भी है वो सब निकाल देनी है एंड इसमें इंसर्ट करके बस क्लोज़ कर देना है। लगाना बहुत ही सिंपल है। अभी मेरे को आप इंस्टॉलेशन के लिए बुला लो, मैं भी कर दूँगी आपके घर में आके इंस्टॉलेशन। तो आपको ऊपर जो दिख रहा है ना ट्रांसपेरेंट कलर का, उसके अंदर जो है इंक गिरती है और उसके बाद वो इधर उधर घूम के जो है ये देखिए अब अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। ये चल गई गाड़ी की इंजन। ऊपर जो ये आपको दिख रहा है इससे स्कैन भी हो जाता है, जेरोक्स भी निकलता है एंड नॉर्मल प्रिंट आउट तो निकलता ही है। एंड अभी इसमें पेजेस मैंने दे दिए हैं इनको इसके अंदर डालने के लिए। तो यहाँ पे अभी ये जो फर्स्ट वाला ऊपर ब्लिंक कर रहा है वो है पेजेस का इंडिकेटर। अगर पेजेस नहीं है तो पी दिख रहा है जैसे आपको वहाँ पे, तो पेजेस नहीं है तो वो इंडिकेट करता है कि पेजेस नहीं है करके। एंड साइड में जो इंटू मार्क है, सपोज आपने कोई प्रिंट आउट निकालना है या जेरोक्स का स्कैन निकालना है, आपने प्रिंट दबा दिया है उसको और बाद में आपको रियलाइज हुआ है थोड़े विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कि आपको नहीं चाहिए वो प्रिंट आउट, तो आप तुरंत वो इंटू मार्क दबा देंगे तो वो प्रिंट आउट नहीं आएगा, रुक जाएगा वहीं पर, मतलब रुक जाएगा और उसके बाद आपको खाली पेपर ही निकल के आ जाएगा, एकदम प्लेन जैसा है ऊपर रखा हो वैसा ही निकल के आएगा। के बाद वो भी मुझे, मैं एक एक चीज़ पूछ रही थी, मैंने बोला कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरे फ्रेंड्स को सबको बताना है कि कैसे यूज़ करना है, तो आप मुझे एकदम प्रॉपरली बताइए कि हर एक बटन का क्या फंक्शन है। तो ही वॉज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग वेरी गुड। तो ऊपर का अभी बता रहे थे कि यहाँ पे आप स्कैन भी कर सकते हो जेरोक्स भी कर सकते हो करके उन्होंने बताया। तो सबसे पहले जैसे आप इसको ऑन करते हैं पेजेस लगाते हैं ऑटोमेटिक दो तीन कॉपीज़ निकलती है जो प्रिंटर की इंफॉर्मेशन निकालती है, ऑटोमेटिक होता है वो, आपको कुछ दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन करते ही दो तीन कॉपीज़ निकलेंगी प्रिंटर का मॉडल क्या है क्या, मतलब उससे रिलेटेड सब कुछ। एंड वो सारे निकलने के बाद इन्होंने बताया कि इसको आप जेरोक्स कैसे निकाल सकते हैं। तो पेपर को उसके ऊपर करके उल्टा करके रखना है एंड फर्स्ट वाला जो है इसको दबाएंगे तो ब्लैक एंड वाइट कॉपी निकलेगी एंड जो कलर्स दिख रहे हैं आपको येलो एंड रेड उसको दबाएंगे तो अगर कलर फोटो है या जो कुछ भी है तो कलर प्रिंट आउट निकलेगा। उसके ऊपर जो आप दो सिंबल्स देख रहे हैं, एक तो जो है आपको आप मोबाइल डेटा यूज़ करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अगर आपके घर में मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं, एंड उसके साइड वाला जो है वो मोबाइल डेटा बेशक आप किसी और कंट्री में भी हो तब भी आप उसके थ्रू निकाल सकते हो प्रिंट आउट। एंड ऊपर जो आई बटन दिख रहा है वो इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रिंटर के बारे में आप उसको दबाएंगे तो फिर इन्फॉर्मेशन का एक पेपर निकल जाएगा। वाईफाई का सिंबल तो आपको दिख ही रहा है, तो इसके फंक्शन बस इतने ही हैं। एंड अब मैंने इनको बोला कि आप लैपटॉप में भी एंड मोबाइल में भी इंस्टॉल कर दो, तो लैपटॉप में इंस्टॉल करने के लिए जो सीडी दी हुई है उसको आपको इंसर्ट करना है एंड एचपी का ये जो आ रहा है उसको ये बात आप नेक्स्ट दबाते जाओ, ऑटोमेटिक प्रोसेस जो है हो जाएगा। आपके सिस्टम के अंदर एक एचपी प्रिंटर का ऐप इंस्टॉल हो जाएगा जिसके थ्रू आप कभी भी प्रिंटर, बस आपका प्रिंटर ऑन होना चाहिए, अगर आपका लैपटॉप ऑन है तो आप आराम से निकाल सकते हो। एंड क्योंकि ये वाईफाई वाला लिया है हमने तो इसमें आपको हमेशा यूएसबी कॉर्ड लगा के झंझट लेने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं पे भी बैठो आप अपने मोबाइल से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आप अपने लैपटॉप से भी निकाल सकते हो। बेशक आप बाजू में नहीं हो, अगर मैं कहीं और पे भी हूँ और मुझे घर में प्रिंट आउट निकालना है तो निकाल सकती हूँ। तो अभी सबसे पहले कलर प्रिंट आउट एक निकाल रहे हैं, तो क्योंकि ये सबसे पहली कॉपी थी तो सबसे पहली बार चला था कलर वाला तो पहला फ़ोटो इतना अच्छी तरह नहीं आया, उसी को हमने दूसरी बार निकाला तो इंक जो है ऑटोमेटिक जो हमने घुसाए थे उसके इंजन्स उसमें अच्छी तरह सेट हो गई है, तो प्रॉपरली अच्छी तरह इंस्टॉल हो गया। एंड मोबाइल के लिए अगर आप मोबाइल को यूज़ करके भी प्रिंट आउट्स या कुछ भी जेरोक्स या कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ओनली आपको अपने मोबाइल में एचपी का ऐप इंस्टॉल करना है एंड एचपी प्रिंटर करके एक और आता है, दो ऐप को इंस्टॉल करना है एंड उसके बाद कुछ भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है एंड प्रिंट आउट निकल के आ जाता है। दैट्स ऑल। सो ये था मेरे इंकजेट प्रिंटर का रिव्यू जिसका नंबर है 419 एंड वाईफाई वाईफाई सब अवेलेबल है जैसे मैंने बताया था एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड को भी कुछ ऑफिस से रिलेटेड कुछ कॉपीज चाहिए थी तो वो भी आराम से निकल गई। एंड प्रिंटर हो जिसमें स्कैनिंग जेरोक्स एंड कॉपीज निकालने वाले, आप कहीं पे भी हो आप हर जगह से निकाल सकते हो, वाईफाई वाले में वो वाली फैसिलिटी रहती है एंड रेगुलर यूज़ करते रहने से उसकी जो क्लैरिटी है वो और भी बढ़ती रहती है। मैंने तो ये प्रिंटर वैसे शॉप में जाके ख़रीदा है, अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं
तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो खरीद सकते हैं, मर्जी है आपकी, जहाँ से भी लेना है ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, अगर लगा है तो एक लाइक तो चिपका दो वहाँ पे एंड शेयर करो इसको, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में अगर नहीं पता है तो वो जान जाए, एंड सब्सक्राइब करो घंटी बजा के। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।